ना जी खुद नहीं चलाते जी, क्या हो गया ये जी हमारा प्रोटोकॉल देखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे आप सब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और आज भी हम लेट हो चुके हैं हमेशा की तरह। आज हम लोगों का नारायण गगन में है तीसरा दिन, तो अभी जल्दी से चलते हैं और नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि उठते उठते हम लोग बहुत लेट हो गए, रात को लेट सोए थे। तो प्लान कुछ इस तरह का कि शायद मैं भी हो सकता है हम लोग आज सैफ मलूक झील की तरफ चलें, तो अगर इस तरह का कोई प्लान बन गया तो लाजमी वहाँ पर चक्कर लगेगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर ज़रूर देखना, कोई भी चीज़ मिस ना करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो लोग नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अभी निकल आए नाश्ते की तलाश में, तो नाश्ता इस टाइम कहीं पर मिल नहीं रहा, एक जगह पर जाके बैठे थे तो उन लोगों ने बोला यार नमाज के बाद आना, तो क्योंकि आज है जुम्मे का दिन तो सब लोग इस टाइम नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, तो हम लोग भी फिर ऐसा करते हैं चलते हैं नमाज पढ़ लेते हैं पहले जुम्मे की, उसके बाद आके जो सीन बना खाने पीने का वो कर लेंगे। यहाँ पे सवा 1 बजे हुई और सामने कह रहे 1:45 बजे होगी। अभी निकल गए हैं दोबारा नाश्ते की तलाश में, नाश्ता तो मुझे लगता है मुश्किल ही मिले क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि कल भी हम लोगों के साथ यही हुआ था कि हम लोग गए थे नाश्ता करने के लिए तो नाश्ता में नहीं मिला, डायरेक्ट हम लोगों को खाना पड़ा, तो अभी भी जा रहे हैं, अल्लाह करे कहीं ना कहीं मिल जाए यार। सर और अपना कहते हैं 3 पराठे, 3 अंडे ऑमलेट, 6 साल की चना और 3 नान। पराठी कर दें, पराठी कर दें, रोटी कर दें, 3 सूखी रोटी, 1 चना 1 हलवा और 3 अंडे, 1 चना 1 हलवा 3 ऑमलेट और पराठे और नान। आगे आगे पराठे मारे आगे नाश्ते में जी, चने ऑमलेट हलवा और ये आगे हम लोग के पराठे। ओ ये तो रोटी है, पराठे नहीं है। अभी जो बताया उनको पराठों का बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने चूल्हा अभी तक ऑन नहीं किया पराठों का। चाय साथ ही चाय भी ले हैं, अलग सी बेहतरीन सी। 2 hours later। यार कितनी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि अगर किसी को फ्रेश मछली खानी हो तो इन्होंने पानी में डाली हुई यहाँ पर मछली, और एक मौसम में नज़र आ रही है आप लोगों को, रात तो बोला नहीं है कि तो जिसने भी फ्रेश मछली खानी है इन्होंने यहीं से यहाँ से मछली निकाल कर देते हैं और उसी टाइम पका के देते हैं। ट्राउट है ना ये देखो, जिंदा ट्राउट फिश। सफ़र हम लोगों का स्टार्ट हो गया, अभी निकल रहे हैं सैफ मलूक झील की तरफ, तो बस अल्लाह पाक खैरियत से पहुँचाए, दुआ वगैरह पढ़ लिए, तो उसी ही पढ़ लिए सौरों ने। हेलो भाइयों, हम अपनी जीप पे जा रहे हैं, हमें आप लोगों की जीप की जरूरत है। मदद पक्का भी यार है, मदद पक्का हो। रश ऊपर से नीचे आने वालों की रश 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 भाई, हम लोग के पास अपनी जीप है अपनी, हम अपनी लेके जा रहे हैं, वरना इनको देना पड़ता पूरा 5,000 रुपए, 8,000 रुपए देने पड़ते हैं हम लोगों को। ये तो काशिफ भाई का भला हो कि अपनी जीप लेके आ गए। काशिफ भाई के हम खिदमत करेंगे, वापस जाके इन्होंने हमारा 5,000 बचाया है। बिल्कुल करना नहीं है भाई, मुँह में सन ब्लॉक लगाया हुआ क्योंकि धूप सीधा मुँह पे पड़ रही है, मत देखो यार कोई और बंदा आ गया, पता नहीं मुँह में क्या लगाया हुआ। लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वैसे तो टाइम लगता है तकरीबन यहाँ से ऊपर आता 1.5 घंटा या घंटा लगा लो, अगर इसी तरह रश ही तो हमें पहुँचते पहुँचते लग जाएगा 1.5 घंटा, तो अब क्या हो सकता है, रश तो है ही है। अभी तो शुरुआत है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। We are so excited to go Saifa Maloop Jheel. Gadi gadi. कुछ तो खुदा का खौफ करो, 70 मोटरसाइकिल लेके तुम लोग सैफ मलूक झील पे जा रहे हो, कुछ तो खुदा का खौफ करो, क्या बोलोगे लोगों के बारे में।
अल्लाह पाक दे दे इनको, अल्लाह दाई दी दे इनको। कुछ बदलाव है, लोग हमें तो नहीं मिले। ये सेवेंटी पे आया जी, पहुंच गया था यार, समझ नहीं आई इधर से पता नहीं जगह रखने की, मुझे बता जरा। इधर रख दिया था, सीट उठा है, सीट नीचे तो नहीं जा सकता ना, ऊपर लगी फटी है उसके वाले टूटे। इस बंदे की ना फिलहाल फल फटी हुई है सर, ये तो एक जब से बंदा ब्लॉगर बनता है लोगों की चीजें बड़ी कम लग जाती है। एक्टिंग के बेताब अच्छा हुए। क्यों जी काशी भाई मिला है? नहीं मिला यार। देखो ना वो यार मिल गया। इनकी ना फटी हुई इस बात से क्योंकि इनका ना वॉलेट बड़ा सख्त गुम गया था और जो के मिल चुका है। और अभी हम फिलहाल हैं यहाँ पे सैफ मलूक झील पे, आवाज शवाज खराब हो गई है क्योंकि सारे रास्ते डस्ट गले में जाती रही है। क्यों जी सर, वॉलेट मिलने के बाद आपकी कैसी फीलिंग्स है? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, फाइनली पहुंच चुके हैं सैफ मलूक झील। रास्ता आपने देखा था यार, कितना ही खतरनाक रास्ता था। तो सबसे जो मेन चीज थी, दिल मेरा धड़क रहा था, मेरा वॉलेट घूम गया था। तो भी आप लोगों को अब मैं पुरसकून होकर पूरा व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा सारा व्यू जो भी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सैफ मलूक झील का व्यू दिखा देता हूँ। ये है जी सैफ मलूक झील, यहाँ के बारे में कहा जाता है यहाँ पे परियां हैं, दियो हैं, ये वो सब झूठे लोग। वैसे जो लोकल लोग होते हैं वो डराते रहते हैं आप लोगों को, यार इधर हर चीज़ है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन माशाल्लाह 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 बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी चलते हैं नीचे, करीब से जाके भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो जी लोगों का रश कितना बना हुआ है, हर बंदा यहाँ पे लूटने के लिए भी खड़ा हुआ है। एहतियात करना, मोहतात रहना। ये देखो जी और करीब से देखो आप, बिल्कुल करीब आगे। अभी देखते हैं, होता कि बीच में कश्तियाँ जा रही हैं। चलो ये चलो जी, बैठो जी, बैठो बैठो, ये अपने बंदे ये कम पैसे लेंगे। आखिरी नहीं ना फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं कश्ती के अंदर और अभी मेरे पीछे नजर आ रहा होगा आपको, बहुत मैंने चक्कर मार जाते हैं। ये जी हमारे कश्ती के ड्राइवर, पायलट, पायलट हमारी कश्ती के, ये पायलट साहब, ये लाइफ जैकेट थे पचाएंगे ना साहब। चाचा अब हम लोग आए थोड़ा सा साइड पे, सर आपने बैलेंस पे खड़े होना, ना जाना ना करना, ये कुछ हरकत ना करना यार। ये ना अचानक से जो है वो गिर जाए, पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक नीचे हो जाए फिर हम लोग भी खबर हो जाए। इसके काम देखो जरा, इधर गिर गया ना अगर वहां से नीचे तो फिर लाश भी नहीं मिलनी। अल्लाह ना करे, इधर इधर रखो ना, थोड़ा इधर रखो ना, वही कह रहा ना तो सर सर इधर लेके जाओ, थोड़ा दरमियान में लेके जाओ ना। पहुंचे जी पहुंचे जी पहुंचे जी अपनी जगह पे, वापस पहुंचे हम लोग। चलो इतने सारे के करके काश पानी दो आराम से। अभी सफी कह रहा है, सफी कह रहा है घोड़े पे बैठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं। चलो वो कह रहा है घोड़े पे भी बैठ जाते हैं। तो ये भी हमने अट्रोल बनने का सोच लिया है, अब हम अट्रोल बनने जा रहे हैं।
यही भाई का प्रोटोकॉल चेक करो, सारे घोड़े आगे खड़े हो गए। भाई मशहूर लोग हैं, आम बात नहीं है, हर बंदा आगे खड़ा हो गया। ना जी खुद नहीं चलाते जी, क्या हो गया ये जी, हमारा प्रोटोकॉल देखो, हम लोग आए और घोड़े कितने ज्यादा खड़े हो गए यहाँ पे लाइन में, लाइन में हर बंदा बुला रहा है। ये भाई भी बुला रहे हैं, किस पे बैठे, किस पे बैठूं, इस पे बहुत दूर दूर तक घोड़ा, इसका घोड़ा तंग करने लग गया इसका, मेरा घोड़ा चला चला घोड़ा छोड़ दिया नीचे, सभी साहब घोड़ा छलांगे मारने लग गया, उड़ने लग गया ऊपर की तरफ। हाँ जी भाई किधर तक लेके जाते हो जी? ये किधर तक? छोटा राउंड भी है, बड़े वो पीछे तक भी जाते हैं। भाई होंडा लेके आए हैं जी, बड़ी बात है, पहुंच गए फिर आराम से हैं। लेके रहते हैं ये तो होंडा है। ओए ओए ओए, सामने का व्यू और ये हमारा घोड़ा और ये भाई एक हो रहे हैं जी होंडा पे। भाई तंग तो नहीं हुए? नहीं नहीं भाई, आराम से हैं जी जी। देखें जी ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, रास्ता देखिए कितना खराब है और लोग सेवेंटियम पे और होंडे पे आए हुए, हिम्मत है हिम्मत। जी 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 सफी भाई कह रहे लंबा चक्कर लोगे कि छोटा चक्कर लोगे, लेकिन हम यहीं से वापस आएंगे। बसंती आराम से जा, आराम से गिर गया मैं नीचे, तुम बचाएगा कौन मुझे? लोग मस्ती छोड़ दिया इसको, बस भाई ने इसकी रस्सी छोड़ दी है, खुदा का नाम है, अब भाई ना रुकेगा कैसे ये? फिर जी निशाना मारने के लिए सभी भी तैयार हैं जी, अगर इसने मार लिया फ्री शॉट वाली जगह पे, नहीं मारा तूने, एक एक मारते हैं सारे, अगर फ्री शॉट वाली जगह पे मार दिया तो फ्री है सभी। जरा सा रह गया अरे जी काशिफ की, सारे मारेंगे ना, दानी का नंबर आ जाएगी, देखते जी कितना लगता है, तो मार भी दे लगा दानी उरी छा गए जी, दानी भी फिर से दोबारा लगना चाहिए दरमियान में, आज इस भाई को लूट के जाएंगे हम। मेरा नंबर है जी, मेरा नंबर है। तो भाई साहब कुछ सीन ऐसे हैं, अभी अति शेख मारने लगे हैं, अति शेख बना रहे हैं, तो देखते हैं। चलो बहुत जी ब्रो, और खींचो बैड एंड वी आर सैड, 100 रुपए देना पैसे। हाँ जी बॉस, एक गलत है तो गल हुई, फिर कड़ी गल हुई गलत दस रह गया बॉस, बहुत हिम्मत की है, थोड़े जे पॉइंट रह गया, नहीं लगा मेरा निशान, अब उन तो जीत गया भाई, नहीं भाई ब्रेड फॉर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। वापसी का सफर हम लोगों का स्टार्ट हो गया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, तो अभी सीधा डायरेक्ट चलते हैं नीचे, तो नीचे चल के आपसे मुलाकात करूंगा। ये सामने का व्यू भी दिखा देता हूं आप लोगों को, बड़ी खूबसूरत व्यू है वापसी का भी, तो चलते हैं नीचे और नीचे पहुंच के आप लोगों से मुलाकात करते हैं। 5 hours later. Finally, आ गए जी नीचे नारायण खान सैफी मुल्क झील से, तो सबसे पहले चलेंगे जाके कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि पहले पेट पूछा फिर काम पूछा, उस पर निकलेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ, तो सबसे पहले जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। ये सामने जी सब है, यहाँ से कुछ पकड़ते हैं और जल्दी से फिर उसको मंडते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि बारिश भी आई हुई है, अगर रास्ते में बारिश लगी तो फिर से खबर हो जाएंगे। खाना आ गया तो जल्दी से खाना मंडते हैं फिर निकलेंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई है, तो अभी जल्दी से खाना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। वापसी का सफर हम लोगों का स्टार्ट हो गया, अल्लाह पाक हम सबको खैरियत से घर पहुँचाए और महफूज तरीके से घर पहुँचे हम, तो अब मुलाकात होगी आप लोगों से सीधा घर पहुँच के, और फिर मिलते हैं घर पहुँच कर। 5 hours later.
फाइनली पहुंच चुके हैं जी घर, अल्लाह के फजल व करम से घर पहुंच चुके हैं। तो जिस टाइम मैं रात को घर पहुंचा था लेट, तो उस टाइम मैं आते साथ सो गया था, इतना ज़्यादा थका हुआ था। तो मैंने बोला यार सुबह ही उठूंगा और उसके बाद व्लॉग को एंड करूंगा। तो अभी सोकर उठाऊँ और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। कमेंट लाजमी कर दिया करो, लाजमी किया करो। हमेशा हर वीडियो में आगे बोलता हूँ यार कमेंट किया करो, लेकिन आप लोग नहीं करते तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी कर दिया करो यार। असल जो सुकून आता है ना भाई, जो सुकून आता है ना, वो आता है अपने घर में। बेशक आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ना, लेकिन सुकून आपको अपने ही घर में आएगा, ये बात 100% मानने वाली है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।